हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें इस एक्सप्रेशन की क्या बतानी है, मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो इसको ई मान लेते हैं। तो ई आया हमारे पास 3 sin x माइनस 4 cos x माइनस 10 और 3 sin x प्लस 4 cos x माइनस 10। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, ई बराबर हम यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक काम करते हैं, इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ये हो गया हमारे पास 3 sin x। देखो इसको मैं मान लेता हूँ 3 sin x माइनस 10 प्लस 4 cos x। देखो इसको कुछ ऐसे समझो, 3 sin x माइनस 10 माइनस 4 cos x और 3 sin x माइनस 10 प्लस 4 cos x। तो ये आ जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब ये आ गया हमारे पास कितना, ये आ गया हमारे पास 9 sin² x प्लस 100 माइनस 60 sin x माइनस 16 cos² x। अब यह आएगा 9 sin² x प्लस 100 माइनस 60 sin x माइनस 16 cos² x। को लिख दिया मैंने 1 - sin² x। माइनस माइनस प्लस 16 कितना आ गया, 25 sin² x माइनस 60 sin x। ठीक है जी। और 100 में से 60 गया, कितना आ गया 84। 100 में से 16 गया, कितना आ गया 84। अब मैं यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 5 sin x माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर ये हो गया, 2ab ये हो गया, तो बी स्क्वायर कितना होगा भाई, 5 × 30, तो बी स्क्वायर आ गया हमारा 36। 36 यहाँ पर 84 है पहले से, तो 84 माइनस 36 48। अब देखो यहाँ पर अपने को निकालनी है इसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये मिनिमम होगा, जब ये मिनिमम होगा, अभी जीरो तो नहीं हो सकता क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू 6/5 तो नहीं होगी, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको अपने को मिनिमम करना है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, 1। तो 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 5 - 6 - 1 का स्क्वायर 1 प्लस 48 यानी कि 49। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू अंडरस्टैंड।